एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और काफ़ी वक्त पहले, लाइक एक दो महीने पहले, मैंने कुछ होम डेकोर के आइटम्स आपके साथ शेयर किए थे जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर सर्टन होम डेकोर पीसेज जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और इसे आप अपने घर के इंटीरियर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक दे मेक परफेक्ट होम डेकोर पीसेज, ऑल्सो आप इनको गिफ्ट भी कर सकते हो। दे आर सो क्लासी, एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल लुकिंग। एंड द फर्स्ट आइटम इज दिस दिया, और ये दिया सेट है। इस सेट में दो पीसेज आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिया, आप देखिए इसमें क्रिस्टल्स और ब्रास का कॉम्बिनेशन है, और जब ये जलता है ना, इट लुक्स सो अमेजिंग। और इसका कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप अखंड ज्योत टाइप करना चाहते हो तो उस तरह से भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। ये दिया सेट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप इसको पर्सनल यूज में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल्सो दिस कुड बी अ वन वंडरफुल एंड वेरी एलिगेंट गिफ्ट आइटम एज वेल। और प्राइस सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ये बोल स्टाइल ब्रास टेबल दिया है विच कम्स इन सेट ऑफ टू, इसका प्राइस है ₹479। एंड नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटिफुल मोरक्कन लैंटर्न, हैंगिंग लैंटर्न है ये, ब्लू कलर का है, और ये एक टी लाइट कैंडल होल्डर है। एंड लुक एट दिस, हाउ एलिगेंट इट लुक्स। और जब इसके अंदर आप टी लाइट लगा देते हो तो उसकी लाइट की वजह से तो बहुत ही अमेजिंग ये दिखता है। इट्स सच एन अट्रैक्टिव, एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल डेकोर पीस। This blue tea light candle holder is serene and charming. It is a very beautiful and elegant decor piece. और इसका price है ₹319. And next I have this very very beautiful candle holder. ये flower shape में आपको दिख रहा है, brass, iron और crystal से बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है ये, और ये भी set of two में आता है। It has a fascinating metal work that creates a mesmerizing display of light and shadow. और ये जो beautiful tea light candle holder है ना, आप इसे आपके घर के interior में भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इट मेक्स अ ब्यूटीफुल डेकोर पीस आपके लिए भी, और आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना, ये है आज का डील ऑफ द डे। इसका ओरिजिनल प्राइस है ₹499, बट अगले 24 घंटे के लिए ये आपको मिलेगा फॉर ₹449, बिकॉज ये है डील ऑफ द डे। एंड नेक्स्ट इज दिस ब्यूटीफुल पूफ ऑटोमन, ये मेरा बहुत ही फेवरेट वाला आइटम है इस सब में से। मुझे ऑटोमन पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने अभी के लिए लिया है एक, और मैं प्लान कर रही हूँ और भी ज्यादा लेने के लिए। 100% कॉटन से बना है एंड इट इज हैंड स्टिच्ड, और ये देखने में भी बहुत सुंदर है, और ये आपका होम डेकोर भी इनहेंस करता है। एंड द प्राइस ऑफ दिस केबल स्टाइल डोरी प्रूफ ऑटोमन फुट स्टूल इज ₹649। तो ये तो थे वो कुछ प्रोडक्ट्स जो होम डेकोर में आप इस्तेमाल कर सकते हो, गिफ्ट भी कर सकते हो, और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मुझे इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा, और अगर आप इनमें से किसी भी आइटम में इंटरेस्टेड हैं, आप खरीदना चाहते हैं, तो इनको खरीदने के लिए लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक नाम से। आप इस लिंक पे क्लिक करके इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं या इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल्सो अब आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप भी। नाउ ऑल्सो यू कैन एन्जॉय 5 डेज रिटर्न, 5 डेज एक्सचेंज, कैश ऑन डिलीवरी एंड फ्री डिलीवरी सर्विसेज एज वेल। और मैं जब सफाई करती हूँ ना, तो मैं एक एक कमरा या एक एक तरह के ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करके सफाई करती हूँ। यूजुअली मैं एक एक रूम करके सफाई करती हूँ। तो मम्मी पापा आए हुए थे बहुत वक्त से, मुझे बहुत टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह या उस वजह से मैं बिज़ी हो रही थी, तो मैं काफ़ी वक्त से सफाई नहीं कर पा रही थी। आप पंखे की हालत देखकर समझ भी सकते हो। आई थॉट मैं आज ना सिर्फ ये पंखा बल्कि इस रूम को भी डीपली क्लीन कर देती हूँ। तो दोपहर में मैंने क्लीनिंग करी थी, और उसके बाद फिर मैंने ये कर दिया पंखा साफ, और इसके बाद ही मैंने फिर शावर लिया। ये नूडल ऐसा लग रहा है जैसे कि पैन में हुए, पैन से निकल रहा है। वाई
आपको लेना है एक कुकर और इसके अंदर डालिए दलिया। ये एक बहुत अमेजिंग रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वन पॉट मील है, बहुत हेल्दी भी है, आप ट्राई करना आपको अच्छी लगेगी। दलिया अच्छी तरह से भुन जाएगा, थोड़ा इसका कलर बदल जाएगा, पफ्ड अप हो जाएगा, बहुत अच्छी इससे खुशबू आएगी। इस स्टेज पर दलिया जो है कुकर से निकाल के प्लेट में ट्रांसफ़र कर दें और इसको रख दीजिए अभी साइड में। मीनवाइल थोड़ा और दूसरी प्रोसेस करते हैं। ये जो दलिया है आप इसे रोस्ट करके फ्रिज में भी रख सकते हो तो ये काफ़ी दिन चलेगा आपका। मैंने लिया है कुकर में थोड़ा ऑयल और डालेंगे इसके अंदर ये सोयाबीन नगेट्स और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको गर्म पानी में डालकर जिस तरह नॉर्मली सभी लोग प्रोसेस करते हैं उस तरह भी कर सकते हो, बट मैं इसे थोड़ा फ्राई करती हूँ, ये मेरे मम्मी का टिप है और इससे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये बनता है। जो तेल है उसकी चिंता आप ना करें, ये धोएंगे जब आप तो इसका तेल निकल जाएगा। बस अच्छी तरह एक बार इसे रोस्ट कर लें और नॉर्मल पानी में इसको डाल के रख दीजिए 10 मिनट। इसके बाद इसे 2-4 बार पानी से धो करके निचोड़ करके सूखा करके निकाल लीजिए। ये देखिए इसके अंदर कोई ऑयल नहीं है, कोई पानी नहीं है, सोयाबीन भी हो चुकी है तैयार। थोड़ी और तैयारी की है मैंने, इसमें एक आधी सी पत्ता गोभी काट ली है, ये है फ्रोज़न मटर और जो चना दाल है ये दोपहर से सोख हो रही है तो सोख किया हुआ चना की दाल है। अब ये जो भुना मसाला है इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है किचन में। इसमें से 2 चम्मच सीधे डाल देंगे कुकर के अंदर, कोई तेल तड़का नहीं डालना है आपको, 2 चम्मच या जैसा आप पसंद करते हो कम या ज़्यादा भुना मसाला डालिए कुकर के अंदर। इसको थोड़ा स्टर कीजिए, ज़रा गर्म हो जाए तो ऐड करेंगे सब्ज़ियाँ, पत्ता गोभी जो थी वो, मटर और दाल। आप और भी इसमें सब्ज़ियाँ डाल सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हों या जो आपको पसंद आती हों। अच्छी तरह ये सब कुछ आपको भूनना है, कुछ 5-1 मिनट का वक्त दीजिए। मिलाइए मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा जीरा का पाउडर। अब अच्छी तरह से फिर से इनको भूनिए। ये सभी चीज़ें भूनना बहुत ज़रूरी है, आपको भूनते भूनते ये ड्राई फील होने लगेगा मिक्सचर, तब मिलाइए आपकी जो सोयाबीन तैयार करके रखे हैं वो इसके अंदर। मैं ये मीडियम साइज़ की सोयाबीन इस्तेमाल करती हूँ, आपको अगर बड़ी वाली ज़्यादा पसंद आती हैं तो आप वो डाल सकते हो। और इसके बाद ये जो दलिया आपने भून करके रखा है ये ऐड कर दीजिए। अभी जब मैं ये सब चीज़ें मिक्स कर रही हूँ आपको लगेगा सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, दलिया कम है, विच इज़ वेरी गुड इन अ वे, लेकिन ये जो दलिया है ये फूल जाता है तो बाद में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, कम ही दलिया रखें, ज़्यादा सब्जियां रखें, ऐसे ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये। और अगर आपको दलिया का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप वो भी ज़्यादा रख सकते हो, ये तो मेजरमेंट की बात नहीं है, पर्सनल चॉइस है। नमक पानी एडजस्ट कर लें, ऊपर से डालें 1 चम्मच घी और थोड़ा सा गरम मसाला, सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। आपको थोड़ा सा खिला खिला दलिया पसंद आता है तो कम पानी रखें, खिचड़ी जैसा करना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी रखें और इसको लगा दीजिए 2 सीटियाँ। मैंने कढ़ाई में लिया है 2 कप गेहूँ का आटा और इसमें ना लगभग सेम ही क्वांटिटी जाती है घी की, और मैं बना रही हूँ गुजराती फेवरेट सुखड़ी तो इसका मेजरमेंट एकदम ही फिक्स है, 1 कप गेहूँ का आटा, 1 कप घी और 1 ही कप गुड़। बट अगर आपको मीठा कम पसंद आता है, आपको घी भी ज़्यादा नहीं खाना है तो आप 1 कप के सामने 3/4 कप घी एंड 3/4 कप गुड़ ले सकते हो। बट जो यूजुअली बनता है ना, ट्रेडिशनली जिस तरह बनते हैं तो तीनों ही चीज़ें बराबर ली जाती हैं। मैंने थोड़ा पहले घी कम डाला था तो अच्छे से आटा मैं स्टर भी नहीं कर पा रही थी, तो भूनना तो दूर की बात है, मुझे थोड़ा और इसमें घी डालना पड़ा। और ये देखिए मैं यहाँ पे ये आटा जो है फ्राई कर रही थी, गैस कर दिया है बंद क्योंकि लाइट चली गई हमारे यहाँ, मैंने अभी ये वाली लाइट ऑन कर रखी है, पता नहीं आटा ठंडा हो जाएगा, अभी तो ये थोड़ा कच्चा ही लग रहा है मुझे। लाइट आएगी तो मैं इसे एक बार फिर से रोस्ट कर लूँगी और इसके बाद इसमें गुड़ मिलाएंगे। हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, पता नहीं क्यों पावर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो ये तो मैंने गैस कर दिया अभी बंद, इसको नहीं कर सकती मैं अभी, आपको ठीक से इसका कलर वलर कुछ नहीं दिखेगा। और यहाँ पर ये जो हमारा दलिया है, या दलिया जो है इसका जो प्रेशर है ये रिलीज़ हो चुका है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार कैसा बना ये। शर्मा जी ने अपने फ़ोन का फ्लैश लगाया है कि आप लोग अच्छे से देख पाओ, तो ये देखिए ये बहुत अच्छा, मतलब इसको गरम गरम खाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। रीज़न कि ये अभी है ना सॉफ्ट लगता है जब गरम होता है, जितना ये ठंडा होता जाएगा उतना ही ये जो दलिया है ना ये इसका मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता जाएगा, तो ड्राई ड्राई लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा उतना खाने में। अभी यार इसकी सारी ब्यूटी स्पॉइल हो गई, अच्छे से लाइट नहीं है ना, मैं आपको दिखा नहीं पा रही, बहुत अमेजिंग बनता है, आप ट्राई देना, क्विकली बन जाता है और भुना मसाला है तो उतना भी कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैं तो बस इसे अभी सर्व कर दूंगी क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर नहीं अच्छा लगेगा खाने में। तो दिखाऊँ आपको, ये देखिए तो शर्मा जी
सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे से इसे देख पाओ। ये बहुत अच्छा बनता है, मैं तो बस इसे अभी सर्व कर देती। आज हमारा हो जाएगा कैंडल लाइट डिनर है शर्मा जी। हाँ, और सानवी खुशी ने देखो क्या किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सी मेरा सर। अच्छा कोई गंजे आदमी को ऐसे कैसे बना सकता है यार। ऐसा मत बोलो, बच्चे प्यार कर रहे हैं तुम्हें। बाहर वो लाइट का थोड़ा बंदोबस्त करो, मैं ये एक के साथ निकाल के लेके आ रही हूँ फिर। हाँ ठीक है ना। और वापस से मैंने गैस ऑन किया है और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। थोड़ा सा ये हरी इलायची के सीड्स हैं, ये थोड़े मैंने कूट लिए हैं, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। एक थाली भी ग्रीस करके रख लें पहले से ही। और ये आटा आपको अच्छी तरह भूनना है, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा और बहुत ही प्यारी सौंधी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी। तब तक आपको इसे भूनना है। इसमें घी जाता ही है थोड़ा अच्छी तरह से, तभी अच्छे से भून भी पाता है और इसका स्वाद भी निखर के आता है। आप जब भी कोई रेसिपी ट्राई करते हो उसे अच्छे से बनाइए, तो कम खाइए। जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा ज्यादा खाएं, पोर्शन कंट्रोल कीजिए, बट रेसिपी अच्छे से फॉलो करेंगे ना तो आपको उस पर्टिकुलर डिश का परफेक्ट टेस्ट मिलेगा। आटा अच्छे से भुन गया है, गैस कर दिया है मैंने बंद। इस वक्त ये मिश्रण बहुत ही ज्यादा गर्म है। और इस गरम गरम मिक्सचर में ही आपको मिलाना है गुड़। मैंने यहाँ पे थोड़े मोटे मोटे चंक्स डाल दिए हैं क्योंकि गुड़ सॉफ्ट है, घुल जाएगा। आप प्रेफरेबली गुड़ को थोड़ा सा काट करके या ग्रेट करके लीजिएगा। तुरंत तुरंत इसे चलाइए, जल्दी जल्दी सारा गुड़ जो है पिघल जाएगा। हीट बहुत थी क्योंकि इस आटे के अंदर ना आराम से पिघल जाएगा। बस ध्यान दीजिए गुड़ आपको गैस बंद करने के बाद ही डालना है और गुड़ अच्छे से जल्दी से डिसॉल्व करके इसे तुरंत ही फिर आप प्लेट पर डाल दीजिए और स्प्रेड कर दीजिए। और ये जो सुखड़ी है ना, मैं इसे गुड ओल्ड तरीके से ही सेट करती हूँ, एक कटोरी की सहायता से। इसी से ये सबसे अच्छे तरह से सेट हो पाता है। आप करछी लेकर लगे रहिए, बहुत देर लग जाएगी। मैं जो इसके किनारे हैं उसको सेट करने के लिए स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ, बट ये जो सुखड़ी है ना, ये सबसे अच्छी तरह बैक ऑफ द कटोरी या तो ग्लास से ही होता है। आप देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ, इसी तरह से कीजिए और फटाफट से इसको जो है आपको इवन आउट करना है, सेट करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही सेट होने लगेगा। सेट एज इन ठंडा होता जाएगा तो कड़क होता जाएगा, इसलिए आपको गरम गरम में ही इसे लेवल अप भी कर देना है और गरम गरम में ही आपको इसे इंडेंटेशन भी देना है। गरम गरम से मेरा मतलब ये नहीं है कि एकदम ही हॉट हॉट, जब तक आप इसे सेट करोगे तो ये थोड़ा तो रूम टेम्परेचर आने लगेगा। ये जल्दी जल्दी ठंडा होता है कढ़ाई से निकालने के बाद। जैसे ही आप इसे सेट कर दें तो तभी आपको इसमें ये कट मार्क्स लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे सेट होने दें थोड़े वक्त और उसके बाद कट करें, तब नहीं होगा। तब ये बिल्कुल ही फैल जाएगा और कुछ भी परफेक्ट पीसेस नहीं निकलेंगे। इसलिए इसको सेट करते ही तुरंत ही इसे काट लीजिए, मार्क्स भी नहीं लगाना है आपको। प्रॉपरली इसे, आप देखिए नाइफ नीचे तक जा रहा है, प्रॉपरली इसको काट लीजिए और एक बार ये अच्छी तरह से कट जाएगा तब आप इसे सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही ये 30-40 मिनट्स में, मैक्सिमम 1 आवर में सेट भी हो जाती है। सेट हो जाने के बाद कैसी दिखेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सुखड़ी इतनी सौंधी, इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार होती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आप मीठे के शौकीन हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा इसको खा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर देकर दीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। और ये ठंडा हो गया है तो इसके बाद मैं नाइफ़ की हेल्प से जहाँ जहाँ मार्क लगाए थे ना, काटा था हमने, वहाँ वहाँ से इसको थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छे से सेट हो जाता है ये, अगर आप बिल्कुल ही मैन हैंडल नहीं करते तो बिल्कुल अच्छे पीसेस निकल आते हैं और एकदम ही सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ ये बनती है। ट्राई ज़रूर देना, आपको अच्छी लगेगी। सुखड़ी में नट्स वगैरह नहीं डाले जाते, बट आप चाहें तो थोड़े नट्स भी डाल सकते हो। और अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी तो मैंने फटाफट से मेरा सुखड़ी था ना वो मैंने फिनिश कर लिया। एक्चुअली थोड़ी सी भी बारिश जैसी होने लगती है तो यहाँ पे पता नहीं क्यों आजकल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होने लगा है। पहले हम लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं तो इनिशियल ईयर्स में इतना नहीं होता था, लाइक बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही हो, बारिश हो रही हो तब तो बिजली जाएगी, ये तो पता ही है सबको। लेकिन छोटी छोटी चीज़ पर अब लाइट चली जाती है,
पहले ऐसा नहीं होता था। इनफैक्ट मम्मी जहाँ रहते हैं वहाँ पे तो इतनी अभी तेज़ बारिशें भी हुई हैं, उसमें भी एक बार भी लाइट नहीं गई। मतलब जब से वो लोग वहाँ शिफ्ट हुए हैं एक बार भी उन्होंने पावर ऑफ यू नो फेस नहीं किया। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप इन्वर्टर ले लो, तो मैं सिर्फ इसी रीज़न से इन्वर्टर नहीं लेती हूँ क्योंकि ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अभी आई एम ऑब्जर्विंग कुछ एक महीनों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर इशूज़ हो रहे हैं। लेट्स सी इसके बारे में क्या करते हैं। तो मैं बता रही थी कि मैंने कुकर चढ़ाया और यहाँ मैं सुखड़ी बनाने लगी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो मैंने वो ही बंद कर दिया क्योंकि आटा देखकर स्मेल करके पता चलता है कि कैसा हो गया है। तो फिर मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया और बहुत देर में इलेक्ट्रिसिटी आई, तो हम लोगों ने अपना डिनर अंधेरे में ही कर लिया था और लाइट आने के बाद तुरंत मैंने मेरा जो सुखड़ी है ये फिनिश किया है। और ये यहाँ पे गुजरात में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, मेरे घर में भी अब बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मुझे पहले सुखड़ी बनानी नहीं आती थी। हम लोग को यहाँ गुजरात में आए हुए 12 साल से ऊपर हो चुका है, तो हम लोग जगह जगह पहले किराए पर रहते थे ना, तो जिन जिन के साथ भी हम लोग किराए पर रहते थे मैंने उन सभी से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखा है। तो सुखड़ी भी मैंने हमारी किसी लैंडलेडी से ही सीखी थी, एंड इन फैक्ट उन्होंने मुझे चिक्की बनाना भी सिखाया था, वो जो पीनट वाली चिक्की होती है ना वो, और वो मैंने एक दो बार बनाई भी, एकदम ही परफेक्ट आती है। यहाँ गुजरात में है ना बेसिकली घर में ही फरसान बनाने का बहुत प्रचलन है, नाश्ता बोलते हैं उसको, मीठा हो कि सेवरी हो बट घर में ही बनाकर स्टोर कर लेते हैं, बाहर से उतना ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। और एक भाभी थे हमारे, वो मेरी लैंडलेडी नहीं थी, वो हमारे घर के सामने रहती थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी काजू कतली बनानी सिखाई थी। वो टिप्स एंड ट्रिक्स सारे कुछ उन्होंने मैंने उनसे ही सीखे थे बेसिकली। और होता ही है ना जब आप नए स्टेट में जाते हो तो बहुत कुछ नया सीखते हो। और मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ गुजरात में आने से पहले मैंने जो पोहा होता है ना वो भी दो एक बार ही खाया था। मतलब मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, मैं केवी से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना वो ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं, उनके पेरेंट्स मतलब उनके जो पापा होते हैं वो आर्मी में होते हैं और उनका साल दो साल में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो वहाँ पे हर कल्चर के बच्चे आते थे, मेरठ में रहते थे तो हम लोग बेसिकली यूपी वाले हैं, लेकिन मेरी क्लास में साउथ इंडियन बच्चे, बंगाली बच्चे और गुजराती कोई बच्चे तो नहीं थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन मराठी बच्चे तो वो सब होते थे। तो उनके घर से जो टिफ़िन आता था उनकी मम्मी वैसा ही खाना, जो उनका स्टेट का खाना है, उनके कल्चर का खाना है, वो बनाकर भेजती थी। तो दैट्स हाउ मैंने दो एक बार तो खाया था पोहा स्कूल में, लेकिन मेरी मम्मी कभी नहीं बनाती थी। इनफैक्ट मेरी सासू माँ भी पोहा वोहा नहीं बनाती थी, वो तो बहुत बाद में हम लोगों ने शुरू किया है। और एक मुझे बहुत अच्छी जो रेसिपी याद है वो है पुट या पुट्टू, वो वाइट वाइट होता है, वो स्वीट भी बनाते हैं ना, वो साउथ इंडियन डिश होती है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मेरी एक फ्रेंड उसे लेकर आई थी। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं जब गुजरात में आ गई थी तो मेरी एक लैंड लेडी होती थी, उन्होंने मुझे पोहा बनाना सिखाया, तब से वो जैसे बनाती हैं मैं वैसे ही बनाती हूँ, एंड इट कम्स आउट परफेक्ट एवरी टाइम। तो हाँ, मैं है ना ये बोल रही थी कि आज जो वीडियो गया उसमें बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि जो मल्टीग्रेन आटा है उसमें आपने जो फ्लावर्स हैं डिफरेंट फ्लावर्स उसका प्रोपोर्शन क्या रखा है। तो एज सच मैंने कोई प्रोपोर्शन नहीं रखा है। मैं क्या करती हूँ, मैंने हाफ हाफ केजी के पैकेट्स मंगाए थे बिग बास्केट से, और उसमें मैंने मंगाया था रागी, ज्वार, बाजरा, देन सत्तू मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, मैंने आपको दिखाया भी था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी रखा हुआ है, अच्छा वाला सत्तू ब्रांड है वो। एंड देन थोड़ा सा मक्की का आटा, जो अमेरिकन कॉर्न होती है ना उसी का आटा मिलता है, वो थोड़ा सा वाइट ही होता है कलर में, तो वो मैंने मंगाए थे हाफ हाफ केजी, और इन सब का हाफ यानी कि 250 ग्राम्स ईच, और बाकी मेरा जो वो कंटेनर है जिसमें मैं आटा भरती हूँ वो 5 केजी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, तो ये सभी का 250 ग्राम हो जाता है, तो ये हो जाता है कुल मिला के 1 से 1.5 किलो। मैं 1 से 1.5 किलो इसलिए बोल रही हूँ कि कभी कभी कोई फ्लावर नहीं होता और कभी कभी मैं कोई एक्स्ट्रा भी फ्लावर डाल देती हूँ। सत्तू है वो इसलिए डाला जाता है कि वो होता है रोस्टेड चना का आटा, तो वो बेसन नहीं होता, हाँ रोस्टेड काले चने का आटा होता है, तो उसका हेल्थ बेनिफिट अलग ही लेवल है। तो ये सब चीज़ें मिला के 1 से 1.5 किलो मेरा फ्लावर हो जाता है, और इसमें मैं अराउंड 3 से 3.5 किलो मतलब लगभग 3.5 से 4 किलो गेहूं का आटा डाल देती हूँ। तो ये है वो प्रोपोर्शन जिससे मैं बनाती हूँ मेरा फ्लावर। आप चाहें तो ये क्वांटिटीज जो मिलेट्स है ना उसकी क्वांटिटी रेज कर सकते हो, बट वही उसका जो थोड़ा इम्पैक्ट आएगा कि रोटी आपकी ब्रिटल बनेगी और थोड़ा सा कलर यहाँ वहाँ हो सकता है। ब्रिटल इसलिए क्योंकि ये सभी जो मिलेट्स है ना इनमें ग्लूटेन नहीं होता है, तो इनकी जो रोटी बनती है वो ब्रिटल ब्रिटल बनती है। आप गेहूं का आटा मिलाएंगे तो उससे उसे ग्लूटेन मिल जाएगा। तो मैं वही बोल रही हूँ, एज सच कोई यू नो डेफिनेशन नहीं है, एज सच कोई
परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, आप जैसा खाना पसंद करते हो, जैसा आपको बर्दाश्त होता हो उस हिसाब से डालिए। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रांग लगता है ऐसा आटा तो शुरू में थोड़ा कम कम डालिए, एक एक मुट्ठी डालकर देखिए, धीरे धीरे आपका टेस्ट डेवलप हो जाए तो आप फिर कर सकते हो। मेरे घर में सच पूछे तो हम लोग ज्वार बाजरा मक्की का आटा की रोटी खाते हैं ओकेजनली, उतना फ्रीक्वेंटली भी नहीं खाते, ओकेजनली खाते हैं। और जो रागी है उसके रोटी वोटी हम लोग नहीं खाते हैं। मैंने रागी का एक ड्रिंक आपके साथ शेयर किया था, वो राब जैसा होता है, वो मैं बनाती हूँ कभी कभी, पर देन आई थॉट कि यार हम साल में जितनी बार ये खाते हैं वो फ्रीक्वेंसी ज़रा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इनको खाने का। बट रेगुलर में क्या रोटी, गेहूं के आटे की रोटी और चावल ही बनता रहता है, तो आई थॉट आफ्टर वैल्यूबल सजेशन फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर आई थॉट कि ये ठीक रहेगा। मिलेट्स खाने चाहिए बट हर रोज़ मैं वैसी रोटी बनाऊँ तो साल में खुशी भी नहीं खाते हैं और वो मुमकिन नहीं हो पाता, हर सब्ज़ी के साथ वो रोटी अच्छी भी नहीं लगती। जैसे आपका बैंगन का भरता हो गया तो आप बाजरे की रोटी खा सकते हो, बट अगर आप भिंडी बना रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसके साथ कोई और मिलेट नहीं अच्छा लगेगा, गेहूँ की रोटी का, गेहूँ के आटे का रोटी पराठा ही अच्छा लगता है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। आई थॉट कि दिस वुड बी अ बेटर आइडिया, इस तरह से थोड़ा सा यू नो मिलेट्स के बेनिफिट्स भी हमको मिल जाएंगे। और अभी सच पूछे तो मेरे घर में तो टेस्ट हो चुका है डेवलप, अभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ, वो रोटी अपेरेंटली बिल्कुल क्लियरली दिखता है कि गेहूं के आटे की रोटी नहीं है, डार्क कलर होता है, थोड़ी सी ब्रिटल भी रहती है, बट अब किसी को उतना कुछ ज़्यादा फ़र्क पता चलता नहीं जितना इनिशियली लगता था ना कि हाँ थोड़ी सी डिफरेंट रोटी है। मैं आपको बताऊँ, मैंने वो आटा बनाया था तो हमने दो दिन रोटी खाई थी, तीसरे दिन वी हैपन टू विजिट मम्मी पापा उनके घर पर, फिर मैंने रोटी बनाई थी, उनके घर में गेहूं का आटा की रोटियाँ थी तो वो एकदम गोल गोल फूली फूली सफ़ेद सफ़ेद रोटियां थी, तो शर्मा जी वाज लाइक कितनी सुंदर रोटियां बनाई हैं तूने यहाँ पे। देन आई एक्सप्लेन हिम कि यार हमारा आटा तो वैसा है ना, तो वो उस तरह का बनता नहीं है, हर रोटी फूल जाए ऐसा भी नहीं है, ज़्यादा करके तो फूल जाती है बट हर एक रोटी नहीं फूलती सिंस वहाँ पे ग्लूटेन की कमी है ना। मैं ये बोल रही थी व्हेन इट कम्स टू हेल्थ देयर इज़ नो शॉर्टकट, तो आप थोड़ा ट्राई कीजिए, लगेगा टेस्ट डेवलप करने के लिए एंड इवेंचुअली आप डेवलप कर पाएंगे एंड अच्छा लगता है और बेनिफिट्स हैं ही, तो क्यों नहीं शुरुआत करें। तो चलिए बस, मुझे लगा बहुत लोग पूछ रहे थे सेम ही सवाल और शायद मैंने आपको ठीक से बताया नहीं, तो आई थॉट कि मैं अभी अच्छी तरह से आपको इलैबोरेट वे में समझा देती हूँ और उम्मीद करती हूँ अब आपको मिल गया होगा आपके सवाल का जवाब। और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर, उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो और वीडियो में दिखाई गई रेसिपीज़ आपको पसंद आई हैं। रेसिपीज़ ट्राई करना, अच्छी लगे तो शेयर करना, अच्छी वाली रेसिपीज़ हैं। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय।